फाइनली जीतने वाले थे लेकिन किस्मत से वो वहां पर मैच ड्रॉ हो गए। बहुत आप लोगों ने सबने खेल कर खेलों की भावना से कुछ मिला, इससे आप लोगों का मनोबल बढ़ा होगा। मैं कोई ये देख रहा हूँ यहाँ के आए कि चेहरे पे जो रौनक नजर आ रही है, यहाँ के लोगों के अंदर यहाँ के विद्यार्थियों के अंदर जो रौनक नजर आ रही है, वो देखने को बनती है। आपके चेहरे पे जो रौनक नजर आ रही है, जीतना हारना एक अलग बात है, मगर खेल को खेल की भावना से आपने खेला, आप ही सबको बताया, खेल को बताया, आपने सबको बताया, खेलों को बताया, आपने सबको बताया, खुद को बताया, और हम सब लोग जीतकर उस चीज को सफल बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज किसी शुभकामनाएं के साथ आप लोग जीते, आपने खेला, आपने खेला, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सुपर। मैं आजकल बहुत इरेगुलर हो रही थी कॉलेज में, तो पिछले जितने भी दिन से ये चल रहा है मैं बहुत रेगुलर आने लग गई, तो ये एक अच्छा तरीका है सारे स्टूडेंट्स को रेगुलर करने का अगर ये मोस्टली होता रहे। एंड आज के गेम में मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टफ फाइट था और मेरे को बहुत मज़ा आया, और मैंने जैसे पहले कहा था कि हमेशा इंजॉयमेंट के लिए खेलना चाहिए, इसलिए मेरे को आज बहुत इंजॉय करा मैंने। और फ्रेंड के साथ खेलने में एक ही मज़ा है, मैं जीतूँ वो जीतूँ मज़ा आता है, उसमें खुशी होती है दोनों के लिए। आप बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा सारे गेम खेल के, आज का भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे खुशी भी हो रही है और खुशी के लिए दुखी भी हो रही है क्योंकि मेरी फ्रेंड है। और मुझे बैडमिंटन में बहुत मजे आए, खेलने में खो खो में बहुत मजे आए। ये दोनों स्कूल फ्रेंड है। सर धन्यवाद, मेरे को दोनों मेरा ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर मैं
आपके ऊपर भरोसे की कामना करता हूँ। धन्यवाद।